हाँ यार शिनचान, सच में मजे ही आ गए एकदम। अरे मेरे चौको भी आ तो जाएंगे ना यहाँ पर। अरे शिनचान, उन लोगों ने बोला है ना कि एक हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी। एक सेकंड, ये गाड़ी किसकी है? हे तुम, एक मिनट, तुम कौन हो आप? चुपचाप गाड़ी में बैठो, मेरे से सवाल मत करो और कुछ। अरे हमें किडनैप करने आए हो क्या? तुम तीनों बैठते हो गाड़ी में कि नहीं? एक सेकंड, तुम मुझे ऐसे पिस्टल वगैरह से डरा नहीं सकते। अरे वही तो मैं एक्स भाई, कितना बेवकूफ है ये। अच्छा तो तुम इससे नहीं डरोगे? पागल थोड़ी, हम जो पिस्टल से डरेंगे। कम से कम तुम एक रॉकेट लॉन्चर तो लेके ही आना चाहिए था। हाँ यार शिनचान बिल्कुल सही कह रहा है, रॉकेट लॉन्चर लेकर के आते तो थोड़ा सा मैं चल लेता। एक सेकंड, अरे क्या मैक्स भाई, इसके पास तो कितने खतरनाक हथियार है। अरे वही तो शिनचान, एक सेकंड, अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लगता है चलना ही पड़ेगा गाइस, बैठ रहा हूँ जल्दी से। अरे क्या मैक्स भाई, अब हम करें क्या? आकर के अभी बस बैठ जा शिनचान, वरने हमें उड़ा देगा बॉम्ब से। अरे गाइस आप लोग भी जल्दी से लाइक कर दो, ताकि इस मुसीबत से तो बाहर आए हम लोग। हाँ गाइस जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसको मैं अच्छा सबक सिखाऊं। जो भी बंदा है पता नहीं क्या करना चाहता है। बैठता हूँ जल्दी से। चलो बैठो अब जल्दी से। अरे पर अब लेकर कहाँ जा रहे हो तुम हमको? हाँ कम से कम इतना तो बताओ यार। पता चल जाएगा जल्दी ही, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से ले जा रहा हूँ। अरे पर कम से कम बताओ तो सही, पता नहीं गाइस ये कहाँ लेके जा रहा है हमें। अरे देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ से बचने के बाद। हाँ बिल्कुल सही कह रहा शिनचान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे कुछ करोगे ही नहीं, अभी बस देखते जाओ। एक सेकंड गाइस, ये आखिर बोल कह रहा है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। अरे एक सेकंड, ये तो एयरपोर्ट के पास ले आया हमको। एयरपोर्ट पे ही तो जाना है हमें। एक सेकंड, हम एयरपोर्ट पे क्यों जा रहे हैं पर? अरे कहीं हमें लॉस सेंटोस से बाहर तो नहीं भगा रहा? लग तो ऐसे रहा शिनचान, क्योंकि मेन गेट से एंट्री नहीं मार रहे एयरपोर्ट के। अरे तो कुछ और ही करना चाह रहा है। अरे वही तो शिनचान, मेरे को लग रहा है गाड़ी कुदाना चाह रहा है नीचे। अरे भाई साहब गाइस, जिसने गाड़ी कुदा दी। अरे इसका मतलब इलीगल तरीके से लेके आया हमें। हाँ शिनचान बिल्कुल सही कह रहा है तू, और इसने तो गेट भी तोड़ दिया। पर ये वाला गेट कैसे खोलेगा? अरे शिट, ये वाला तो सेंसर वाला गेट होता है, वैसे भी खुली जाता है। अरे पर ये यहाँ पर लेके किस लिए आया? एक सेकंड शिनचान, वो देख साइड में। अरे वो क्या है? अरे वो तो वही अपग्रेड करने वाली मशीन लग रही है। अरे क्या अपग्रेड करने वाली? एक सेकंड, आयरन मैन यहीं पर है। अरे मैक्स आ गए तुम? लीजिए सर, मैं सबको ले आया, आपने जैसा कहा था आरपीजी भी लेके गया था। हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि ये लोग आरपीजी से डरेंगे, पिस्टल से तो डरने भी नहीं वाले। अच्छा तो तुम ही इसे कहा था कि आरपीजी लेके आए। खैर अब बोलो काम क्या है? अरे तुम तो जानते हो कि घोष कम्युनिटी वाले कितने ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं आजकल। हाँ वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ वो बात तो है यार, और उन्हें हराने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हथियार वगैरह। हाँ हथियार तो हमें चाहिए ही पड़ेंगे, वो भी बहुत सारे, ताकि उनकी पूरी फौज को मार सके। हाँ वो भी रुला रुला के। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उन्हें रुला रुला के मारने के लिए हमें हथियार खरीदने भी तो पड़ेंगे। हाँ ये बात तो है, और उसके लिए तो पैसे चाहिए। बिल्कुल सही बोला, और पैसे कमाने के लिए हमें थोड़े काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आज की डील फाइनल हो गई तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे वापस से लॉस सैंटोस में। अरे लेकिन डील है किस चीज की? वो मशीन तो तुम देख ही रहे हो। अरे हाँ वही वाली मशीन है वो तो, जो अपग्रेड कर देती है हर गाड़ी को बिल्कुल खटारा से खटारा। और ये तो और भी ज्यादा खतरनाक मशीन लग रही है, ये एक्स्ट्रा अपग्रेडेड वर्जन है उसका। एक मिनट, मतलब तुम कह रहे क्या चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस अभी जा करके लॉस सैंटोस में सबसे घटिया गाड़ी उठा करके लानी है यहाँ। अरे वो तो बहुत इजी काम है, सबसे ज्यादा इजी। अरे कबाड़ की गाड़ियाँ तो ट्रेवर के जंकयार्ड पे मिल सकती है। ट्रेवर का जंकयार्ड? हाँ ट्रेवर का कबाड़ की गाड़ियों का बिजनेस भी है एक, और वहाँ पर से हम जरूर लेके आ सकते हैं गाड़ी। अरे वाह ये हुई ना बात, दरअसल ये जो क्लाइंट है ने यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जो अपग्रेड करने वाली मशीन है ये सच में काम करती है। वही तो आयरन मैन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और खैर उठाएंगे भी क्यों नहीं, आखिर उन्हें लेकर के कैप्टन अमेरिका ही तो आया है। एक सेकंड, कैप्टन अमेरिका तो ये आपके ही क्लाइंट है? बिल्कुल सही समझे तू मैक्स, इसको मैं नहीं बुलाया, ये मेरा काफी पुराना दोस्त है। इस टोनी के बस की तो बात है नहीं कोई कि ये बिजनेस वगैरह कर सके, तो मेरे को ही बिजनेस करना पड़ेगा, मैं ही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर हूँ। अरे शार्क टैंक में आए हो क्या तुम? हाँ जो ऐसी स्पीच दे रहे हो अजीब सी। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था बस। सुनिए डेविड जी। हाँ जी बोलिए, क्या काम है कैप्टन अमेरिका सर? डेविड जी मैं आपको आयरन मैन के द्वारा बनाए इस अपग्रेड करने वाली मशीन के बारे में अच्छे से बताता हूँ। दरअसल इस मशीन को बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया गया है, ताकि ये किसी भी गाड़ी को बहुत ही स्मूथली अपग्रेड कर सके। इसके अंदर ये जो टावर लगाए गए हैं, ये अपने आप ही उस गाड़ी की कमजोरी और ताकत को पहचान लेते हैं और उस हिसाब से उसे अपग्रेड कर देते हैं। बस आपको इन रैंप्स के ऊपर से जंप करके जाना होगा। आप एकदम घटिया सी नॉर्मल फैमिली गाड़ी भी लेकर के अगर इसके ऊपर से जंप मारेंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो आपकी गाड़ी भी बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड से एक स्पोर्ट्स कार बन के बाहर आएगी। अरे वैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन तो कर लेता, लेकिन मैं ये चीज अपनी आंखों से देखूंगा तभी तो मजे आएंगे। अरे आप बिल्कुल अपनी आंखों से देखिए। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आखिर ये बिजनेस के लिए लेके आता है, इन लोगों को यकीन क्यों नहीं होता आखिर। खैर वैसे उनकी बात भी गलत नहीं है आयरन मैन, हमें उनको दिखाना ही पड़ेगा कि ये मशीन सच में बहुत तगड़े तरीके से काम करती है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, एक काम करो जल्दी से लेकर के आ जाओ यार कोई घटिया गाड़ी।
समझ गया, मैं जा करके लेके आता हूँ घटिया गाड़ी। तू एक काम कर शिनचान, जल्दी से पहुँचा दे मेरे को ट्रेवर के एयरपोर्ट पे। अरे अभी पहुँचा देता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड गाइस, मैं आ गया। और शिनचान और चॉप, तुम दोनों कहाँ पर रह गए? अरे आप ही जाओ वहाँ पर, बहुत गंदी बदबू आती है। अबे तो तू नहीं आया? अरे मैं आके करूंगा भी क्या, मेरे को नहीं सूंघनी कोई गंदी बदबू। खुद जब पान मारता था, अब ये वाली फीलिंग नहीं आती तेरे को जो अभी आ रही है। खैर गाइस, यहीं पर थोड़ी कबाड़ वाली गाड़ियां मिल जाएंगी। एक मिनट, एक कार यहां पर साइड में भी खड़ी है इसके। ये शायद से थोड़ी चलने वाली हालत में लग रही है, इसको देखना पड़ेगा खोल के। जरा गाइस स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं इसको मैं। एक मिनट, ये स्टार्ट हो गई। अरे मैक्स भाई, ये हुई ना बात। अरे शिनचान, चल मेरे को थोड़ी चलने वाली गाड़ी तो मिली, आखिर ये छोड़ के कौन गया? अरे ये तो पता ही नहीं। खैर जो भी छोड़ के गया हो, अब ये गाड़ी गाइस हमारी है। मेरे को लग रहा है उस बंदे ने से फेंक ही दिया कबाड़ में, क्योंकि आगे से पूरी खुली पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका इंजन बिना कवर के। अरे इसका इंजन है ही बिना कवर के। खैर शिनचान मैं आता हूँ तेरे पास, एक काम कर तू ही बुला ले। अरे बुलाता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। एक सेकंड गाइस, मैं आ गया यहाँ पर। अरे अब जाओ जल्दी से, अपग्रेड करो इसे। वैसे आयरन मैन ये वाली मशीन कितने लेवल तक अपग्रेड कर सकती है? ये भी कुछ 7 लेवल तक अपग्रेड कर सकती है। ये हुई ना बात। खैर गाइस 7 लेवल तक बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, अभी तो हम लेवल 1 पे ही हैं। अरे देख के आयरन मैन, कोई खराबी तो नहीं है ना इसमें? बीच बीच में शायद से थोड़ी खराबी आ सकती है, लेकिन मैंने उन्हें ठीक कर दिया था। खैर तुम ऐसे डराओ मत यार कि इसमें खराबी है कोई, पता चले हमारी गाड़ी कुछ और ही बन जाए। अरे वही तो, पता चले हमारी गाड़ी बन जाए। अरे ऐसा हो गया फिर तो यार दिक्कत हो जाएगी। अरे चलो अब जल्दी से। अरे तुम दोनों बैठ गए आके, चलो अब चलते हैं। खैर गाइस हमें लेवल 1 पे अभी, और इसे अपग्रेड करना हमें लेवल 2 पे। देखते हैं कि लेवल 2 पे कौन सी कार बनती है। अरे कुछ धमाकेदार ही बने तभी आएंगे मजे। हाँ यार शिनचान ने बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। खैर गाइस इसकी स्पीड, एक सेकंड, ये तो अपग्रेड हो गई। अरे मैक्स भाई ये तो एकदम नई जैसी हो गई। क्या मतलब? लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने पर कार एकदम नए जैसी हो जाती है, मतलब कि वो पूरे तरीके से रिपेयर वगैरह हो जाती है और कलर भी हो जाता। हाँ इसका मतलब मशीन काम तो कर रही है, मतलब आयरन मैन ये मशीन बेच सकता है। अरे हाँ वही तो। अरे वाह, तुम लोगों ने तो लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंचा दिया। देखा आपने सर, मैंने कहा था ना कि ये काम करेगी। अरे पर इसने तो बस गाड़ी को रिपेयर किया, अपग्रेड का किया, तुम तो कह रहे थे अपग्रेड करेगी। अरे पर अपग्रेड तो करेगी अगर हम एक और लेंगे तो दिखाओ ना फिर करके। और साथ में एक और बात, मैं कैसे मान लूं कि ये गाड़ियां चलने में एकदम ठीक होंगी? क्या पता केवल इनकी बॉडी अपग्रेड हो रही हो। इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, ये दोनों मिलकर के मेरी इतनी खतरनाक मशीन का मजाक उड़ा रहे हैं बस। चिंता मत करो टोनी, उनका भी हक बनता है। थोर तुम जल्दी से यहाँ पर एक और रैंप मंगवाओ। रैंप तो अभी मंगवा लेता हूँ, ये लो। एक सेकंड, वो क्या करा तुमने? अब जाओ जल्दी से गाड़ियों को अपग्रेड करो और सीधा उस रैंप पे टेस्ट करके भी दिखा देना लोगों को। अरे ठीक है आयरन मैन, मैं समझ गया। हम यहाँ से सीधा निकलते हैं इस गाड़ी को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए, और साथ में फिर हमें रैंप से भी जंप मारनी पड़ेगी, वो सबसे मुश्किल काम होने वाला है। अरे पता देखेंगे। खैर देखते हैं गाइस लेवल 2 से लेवल 3। एक मिनट, हम अपग्रेड हो गए हैं और हम बन गए हैं एक ट्रैक्टर। अरे ट्रैक्टर नहीं, मॉन्स्टर ट्रक। नहीं मॉन्स्टर ट्रक भी नहीं है, कुछ और ही चीज है। अरे आखिर है क्या चीज? अरे आयरन मैन तुम्हारी मशीन कहीं खराब तो नहीं होगी ना, हम क्या बन गए हैं? अरे तुम जा करके रैंप कूदो पहले। अरे ठीक है मैं रैंप पे से कूदता हूँ, मेरे को लग भी नहीं रहा कि रैंप पे से कूद भी पाएगी कि नहीं। एक सेकंड, पर रैंप पे चढ़ तो गई इतना। अरे भाई तो पर कितना घटिया दिखता है। बहुत ही बदसूरत। खैर वैसे शिनचान इतना ही बदसूरत नहीं है। अरे बदसूरत इसलिए क्योंकि क्या ऐसा लग रहा है कि कोई फैक्ट्री में काम करने वाली मशीन है, ना कि कोई खतरनाक मॉडिफाइड मशीन। हाँ यार वैसे बोल तो सही रहा है, ये गाड़ी लग तो बिल्कुल वैसी रही है कि फैक्ट्री वालों के लिए है। खैर इसे अपग्रेड कर देते हैं हम इसी बात पे गाइस। लेवल 3 से लेवल 4 पे जाने वाले अब हम, और ये हम पहुँच गए फाइनली गाइस, और हम तो लिमोजीन बन गए। अरे हम तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गाड़ी बन गए। अरे वही तो शिनचान, और इसे रैंप पे से भी कूदाना अभी। देखो मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे करके अपग्रेड हो गए, पर बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से। हाँ यार आयरन मैन वो तो दिख ही रहा है गाइस, हम लिमोजीन बन गए, अब इसे जल्दी से अपग्रेड करते हैं। आप लोग एक काम करना, अगर लाइक नहीं दबाया तो लाइक भी दबा दो अभी के अभी। खैर देख लेते गाइस रैंप पे चढ़ पाती है कि नहीं। एक सेकंड, रैंप पे गुलाटी मार रही है एकदम गोल। अरे वाह मैक्स भाई ये तो कमाल ही हो गया। खैर कमाल तो हो गया शिनचान, पर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई एकदम। अरे वो तो चलता है, पर वैसे भी अपग्रेड तो हो ही जाएगी। हाँ यार शिनचान बोल तो बिल्कुल सही रहा गाइस, अब हम इसे अपग्रेड करने वाले हैं। हालांकि यार ये तो रैंप पे भी गोल घूम गई एकदम। अरे खैर मान गए तुम्हारी मशीन काम करती है, लेकिन मैं पैसे तभी दूंगा जब ये पूरी लेवल 7 तक अपग्रेड।
होगी। अरे वो तो हम कर ही देंगे। खैर गाइस हम लेवल 4 पे अभी और लेवल 5 और 6 और 7 पे ही मिलने वाली हमें सबसे खतरनाक कार्स। देखते हैं कि क्या बनते हैं लेवल 5 पे। तो यहाँ पर हमने जंप मार दी और एक सेकंड हम ये क्या बन गए इस बार। अरे तो खिलौने वाली गाड़ी लग रही है। अरे तुम दोनों कहाँ पर हो? और अरे हम अंदर बैठे हैं। हाँ ये हुई ना बात। चलो मेरे को लगा था कि तुम लोग गायब ही हो गए। अरे वाह ये चीज तो सच में कमाल की है। तुम्हारी मशीन सच में काम करती है आयरन मैन। बस लेवल 6 और लेवल 7 और देख लो, फिर तुम्हें मैं पूरे उतने पैसे दूंगा जितना तुम मांग रहे हो। अरे वाह ये हुई ना बात। खैर कैप्टन अमेरिका की वजह से कल में कम मेरे को डील तो मिल रही है अच्छी। हाँ ये बात तो है, कैप्टन अमेरिका तुम्हारी मदद तो कर ही रहा है फिर भी। अरे वही तो, आखिर एवेंजर्स से सैलरी मिलती है उसे। हाँ यार शिनचैन और हमारे लिए अभी अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट है गाइस। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है और हम इसे जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं। एक सेकंड ये गाड़ी तो उल्टी हो गई। अरे सीधा करो। खैर अपग्रेड हो चुके हूँ हम और ये क्या बन गए हम। अरे ये तो सुपर कार है। अरे शिनचैन ये तो टेसरैक्ट है गाइस। ये एक इलेक्ट्रिक लॉस सैंटोस में बनाई गई थी। अरे वही तो, इसे देखो रैंप से जरा के। हाँ शिनचैन वही कर रहा हूँ मैं। खैर ये रैंप पे गोल घूम जाएगी जहाँ तक मुझे पता है। है तो एक सुपर कार ही। अरे भाई साहब ये तो सच में बहुत खतरनाक है। अरे यार कितने ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं टूटी। हाँ गाइस स्क्रैचेस तो पड़ी गए यहाँ पर लेकिन फिर भी हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेड किया एकदम। अरे वही तो। अरे वाह सच में कमाल की गाड़ी बने इस बार। हाँ ये बात तो है। खैर गाइस इस बार देखते हैं लेवल 6 पे क्या बनते हैं हम लोग। एक सेकंड गाइस हम फाइनली लेवल 7 पे पहुंच गए और हम तो बुगाटी बन गए। अरे अब इसे जल्दी से जंप करा दो। वो बंदा सच में खुश हो जाएगा गाइस, हमने कबाड़ से बुगाटी बना दिया गाइस कार को। अरे वही तो, आयरन मैन की मशीन सच में कमाल की है। खैर गाइस पता नहीं क्यों बुगाटी को इस पे चलवा रहा है। अरे टेस्टिंग तो होनी चाहिए, बुगाटी है तो क्या हुआ। खैर गाइस ये तो चली ही जाएगी। अरे भाई साहब इसने तो पूरे 2 ही चक्कर मार लिए तकरीबन। अरे ये हुई ना बात। खैर गाइस ये तो खतरनाक ही सीन हो गया। अब तो सही है, अब तो तुम खरीद लो। अरे मैं खरीद तो लेता लेकिन मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि आखिर लेवल 7 के बाद भी अगर कोई जंप करे तो क्या होगा। अरे भाई साहब ये मतलब चाह रहा है कि एक और जंप करें हम। अरे इतने तो सच में परेशान करके रख दिया। हाँ यार शिनचैन खैर लेवल 7 के ऊपर अपग्रेड होगी भी कि नहीं ये तो पता नहीं। मेरे को जंप करनी चाहिए क्या आयरन मैन? अरे हाँ लगा दो जंप। वैसे तो एक और बारी जंप करना मैं तो मना ही करूंगा क्योंकि उसके बाद तुम्हारी गाड़ी कुछ भी बन सकती है, उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। खैर कुछ अच्छा ही बनेगा गाइस, आप लोग भी कमेंट पे जल्दी से लिख दो मैक्स ओपी ताकि हमारी किस्मत अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे शिनचैन गाइस, जल्दी से लिख दो। तो जल्दी से मैं कूद लेता हूँ यहाँ पर से। एक सेकंड गाइस हम मैक्स लेवल पे पहुंच चुके एकदम। अरे वाह मैक्स भाई ये तो सच में मैक्स लेवल है। अरे शिनचैन मैं समझ गया, ये वाली बैट मोबाइल देख तू कितनी ज्यादा खतरनाक है। लास्ट वाला जो मैक्स लेवल है वो दरअसल उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है जो भी गाड़ी चला रहा है। अब जैसे मेरी यही फेवरेट कार्स में से एक है तो इसलिए हम यही बन गए। अरे वही तो मैक्स भाई एकदम खतरनाक कार बने हैं हम तो, सबसे ज्यादा खतरनाक। अरे इसे देख करके तो खुश होना ही चाहिए, उन्हें ले करके चलता हूँ। अरे अब बताओ अब क्या कहना है तुम्हारा बूढ़े अंकल। अरे मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ अभी, और तुम्हारी सच में मशीन काम की आयरन मैन, मुझे ये मशीन सच में खरीदनी है। अरे ऐसे क्या खरीदनी है, तुमने मेरा इतना दिमाग खराब किया। डॉक्टर स्ट्रेंज मैं ये काम कर दूँ ना सच में। एक सेकंड डॉक्टर स्ट्रेंज तुम आखिर आयरन मैन के कान में बोल रहे हो और साथ में एंट मैन भी। हमने वही बोला जो बोलना जरूरी था। क्या बोला वैसे आयरन मैन? यही कि मेरे को इन लोगों से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ेंगे अब क्योंकि उन्होंने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया बिल्कुल। खैर ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे कोई बात नहीं मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा पर ये मशीन केवल मेरे को बेचो। हाँ ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, 2 साल के लिए मशीन मैं तुम्हें।